अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से ही होंगे। आपको आपके अपने चैनल रिवाइव व्यू में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में उस मसले का सद्देबाब किया जाएगा जो अक्सर ख्वातीन को दरपेश रहता है। जी हाँ, आप समझ तो गए ही होंगे, मेरी मुराद चेहरे और जिस्म पर उगने वाले गैर जरूरी बालों से है। होंठों के अतराफ और हाथों पैरों पर आने वाले बाल खवातीन के लिए एक इम्तिहान होते हैं। यूं तो इन गैर जरूरी बालों से निजात पाने के लिए बाजार में बेशुमार क्रीम्स और लिक्विड्स अच्छी अच्छी पैकेजिंग में दस्तयाब हैं। और मैं ये भी नहीं कहता कि ये बेकार है, बल्कि ये सब भी बाल गायब करने में मौसर हैं। लेकिन मसला ये है कि चंद रोज बाद बाल फिर से लौट आते हैं और पहले से ज्यादा कसरत से, जो और भी बड़ी परेशानी है। इस परेशानी से आपको बचाने के लिए हम ले आए हैं आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी कि ये गैर जरूरी बाल उम्र भर के लिए गायब हो जाएंगे। इससे पहले कि मैं ये नुस्खा और इसका तरीका इस्तेमाल आपको बताऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली मौसर और मुफीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। गैर जरूरी बालों से हमेशा हमेशा के लिए निजात हासिल करने के लिए आपको एक दवा तैयार करनी है। इसके लिए आपको चंद कच्चे अखरोट दरकार हैं। करना ये है कि कच्चे अखरोट के छिलके लेकर इन्हें जलाना है, और जब छिलकों की राख बन जाए तो इसमें हस्ब जरूरत पानी शामिल करके एक पेस्ट नुमा बना लेना है। लेकिन जरूरी बात यह है कि इस पेस्ट को बनाते ही फौरन इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि 2 से 3 दिन रख देना है, और 3 दिन बाद जहां गैर जरूरी बाल आते हैं वहां इसे मलें और धो लें। 2 से 3 दिन इस्तेमाल से बाल न सिर्फ गायब हो जाएंगे, बल्कि दोबारा उम्र भर कभी नहीं आएंगे। लेकिन याद रहे, ये एक आजमूदा और मुजर्रब नुस्खा है, और इसे नज़रअंदाज करना आपका अपना नुकसान है। अच्छे नताइज की सूरत में हमें दुआ दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में तासुरात से आगाह भी कीजिएगा।